अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुजीब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो स्कूल और कॉलेज की छुट्टियाँ थी तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट को कुछ कोई एक बेसिक सा लेक्चर डिलीवर करूँ ताकि उनको भी फायदा हो जाए सोशल मीडिया के। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बाइनरी नंबर्स, और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि डेसिमल से बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो टू होता है, और उस टू में कंप्यूटर लैंग्वेज में हम जाते हैं वो जीरो वन होता है। और इसी तरह बेस ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स का जो बेस होता है वो 10 होता है, मींस 0, 1, 2, 3 और 9। तो बेस ऑफ बाइनरी नंबर और बेस ऑफ डेसिमल नंबर ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम डेसिमल से बाइनरी नंबर में अब एक फिगर कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पर लेट्स सपोज हमारे साथ 39, जिसको हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, मींस डेसिमल का जो बेस है वो 10 है, तो इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस क्या है, 2 है। तो मींस जो कन्वर्टेड नंबर आएगा उसको हमें इधर लेना है, ठीक है। तो इधर हम 39 को जब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 39 को तो बाइनरी का जो बेस है वो 2 है, हमने बताया था। तो 39 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 39 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 और 1 इधर शिफ्ट हो गया तो 9 18, तो रिमाइंडर हमारे साथ क्या गया 1। अब 19 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 19 9 18 आता है, रिमाइंडर इधर 1 आ जाएगा, तो इधर आपने रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा 9 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 4 8, रिमाइंडर हमारे साथ 1 आ जाएगा। अब 2 का की बचा हमारे साथ तो 2 2 4 आता है, तो इसका रिमाइंडर 0। 2 आ गया तो 2 1 2, इसका रिमाइंडर भी 0 आ गया। तो लास्ट में हमारे साथ 1 रह गया तो 2 0 0 आता है, तो मतलब मेन इस 1 को हम इधर डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि हमारे साथ ये जो एरो है इसको हम बॉटम टू टॉप हम लिखेंगे, मींस यहाँ से इसको स्टार्ट करना, मींस पहले 1 फिर 0 0 1 1 1, मींस अगर हम 39 को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और 39 हमारे साथ फिर बाइनरी में 1 0 0 1 1 1 होगा। मींस की कंप्यूटर लैंग्वेज में हमारे साथ ये 39 का जो डिजिट है वो इस तरह होगा। तो दोस्तों हमारे साथ जो दूसरा एग्जांपल है वो है, वो पहले वाला मैंने थोड़ा सिंपल सा लिया था 39, अब मैंने इससे थोड़ा मीडियम नंबर ले लिया 125, इसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो दोबारा उसी तरह 125 को 2 पर डिवाइड करो तो 125 को 2 पर डिवाइड करोगे तो 62, मतलब है कि रिमाइंडर इसका 1 आ गया। इसी तरह 62 को जब 2 पर डिवाइड करोगे तो 31, इसका रिमाइंडर 0 आ गया, क्योंकि 62 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 पर। इसी तरह 31 को जब 2 पर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आता है, तो 31 को जब 2 पर डिवाइड करोगे तो 15 बाकी रह जाता है। इसी तरह 15 को जब 2 पर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आता है, 7 आ गया, इससे 7 को जब 2 पर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाता है, 2 बाकी बच गया,
3 बार की रख दिया, 3 को जब 2 पर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कौन आता है, ये लास्ट में वो 1 रह जाता है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर 2 को 2 पर डिवाइड भी करना चाहते हैं तो 0 होता, 0 आता है, इस 1 को आपने रिमाइंडर में लिख लिया। उसी तरह मैंने आपको कहा था कि ये रिमाइंडर आप सब लिख लोगे और इसको फ्रॉम बॉटम टू टॉप आपने लिखना होता है, मींस के 1 1 1 1 1 0 1, तो इसको हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप लिखेंगे 1 1 1 1 1 0। तो ये हमारे साथ 125 डेसिमल में था, तो इसको जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये इस तरह हमारे साथ आ गया। तो उस इस तीसरे एग्जांपल में मैंने एक ऐसा डेसिमल नंबर दिया है जिसके साथ डेसिमल मौजूद है। पहले दो एग्जांपल में हमने डेसिमल नंबर तो ले लिए थे लेकिन उसके साथ डेसिमल मौजूद नहीं था, तो अब हम 0.65 को बाइनरी नंबर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस 0.65 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो इससे आ जाता है 1.30। ये जो 1 है डेसिमल से पहले, इसको आपने इंटीग्रल वैल्यू में लिख लेना है। और ये जो 0.30 है इसको दोबारा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आंसर आ जाता है 0.60। ये जो 0 है ये इंटीग्रल वैल्यू में आपने लिखना होगा, ठीक है। ये जो 0.60 है इसको दोबारा 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आंसर आ जाता है 1.20। इस में ये जो 1 है इसको आपने इंटीग्रल वैल्यू में नीचे लिख लेना है। जितना आप इसको आगे मजीद मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो नियरेस्ट आएगा, लेकिन हम वैसे भी डेसिमल में अप टू 3 डेसिमल फैक्टर्स जा रहे हैं, तो इसलिए मैं 3 के लिए हल किया, मजीद आगे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। इसमें ये है कि पहले दो एग्जांपल में हमने एरो को बॉटम से टॉप में लिया था, लेकिन इसमें हम एरो को टॉप टू बॉटम लेंगे, मींस पहले इस नंबर को लेंगे फिर इसको और फिर इसको, मींस 0.101। तो इस चौथे एग्जांपल में मैंने एक ऐसा डिजिट लिया है जो मिक्स है, मींस उसमें डेसिमल है, ठीक है। पहले दो एग्जांपल में हमने एक ऐसे दो ऐसे डिजिट लिए थे जिसमें डेसिमल नहीं था, तीसरे एग्जांपल में मैंने प्योर एक ऐसा नंबर ले लिया जिसमें डेसिमल था, तो इस फोर्थ वाले एग्जांपल में मैंने एक ऐसा नंबर ले लिया जिसमें डेसिमल है बीच में। तो ये हमारा सर डिजिट है 20.35। इसको डेसिमल से बाइनरी में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो पहले आप इस 120 को मींस के बाइनरी में कन्वर्ट करें और फिर ये जो 0.35 है इसको उसी तरीके से हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 120 को बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इस 120 को 2 पर डिवाइड करेंगे, तो जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, 60 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, 30 को 2 पर डिवाइड करेंगे 15 आएगा, और 15 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाता है, 7 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1, इस 1 को लास्ट में आपने लिखना होता है। तो इस 120 से रिमाइंडर 0 आ गया, 60 से रिमाइंडर 0, 30 से रिमाइंडर 0, 50 से रिमाइंडर 1, 7 से रिमाइंडर 1, 3 से रिमाइंडर 1, और ये लास्ट का जो 1 है ये आपने इधर लिखना होता है। तो नॉर्मल जो डिजिट होता है जिसमें डेसिमल नहीं होता तो उसके लिए हम ये जो नंबर है इसको बॉटम से टॉप की तरफ ले लेते हैं। तो इसको किस तरह लिखेंगे, 1 1 1 1 0 0 0, 1 1 1 0 0, उसके बाद क्या है पॉइंट डेसिमल है तो इधर हम डेसिमल लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये जो 0.35 है इसको डेसिमल में बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो 0.35 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे साथ आ जाता है 0.7। तो इस 0 को आपने इंटीग्रल वैल्यू में लिख लेना है और इस 0.7 को दोबारा 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस 0.7 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साथ आंसर आ जाता है 1.4। इस 1 को आप इंटीग्रल वैल्यू के नीचे लिख लेते हो और ये जो 0.4 है उसको आपने दोबारा 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो इससे आपके साथ आंसर आ जाता है 0.8। तो इसको आपने फ्रॉम टॉप टू बॉटम लिख लेना है, मींस 1 0 0 1 0 0 1 0। तो दोस्तों आपने देख लिया हमने 120.35 को
टू द बेस कैंप को हमने टू द बेस में किस तरह कन्वर्ट किया। तो दोस्तों जिस तरह आपने देखी है हमने इसके बारे में चार एग्जांपल सॉल्व कर लिए, वैसे इस वीडियो के इस टोटल वीडियो को मैं चार पार्ट्स में बनाऊंगा। आज पहला पार्ट था जिसमें हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन सीख लिया, तो इसका दूसरा जो पार्ट होगा उसमें हम बाइनरी से डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे उस बारे में हम बात करेंगे। तीसरे पार्ट में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे कि बाइनरी नंबर को हम किस तरह ऐड करेंगे किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसका जो फाइनल लास्ट फोर्थ पार्ट होगा उसमें हम ये सीखेंगे कि इसमें बाइनरी नंबर्स को हम किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसको किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, तो उस बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।